हे माय बटरफ्लाई, के सब सब गुड। यून जिन, युंगी और जिन, सुगा के इकलौते हियोंग जिन, क्योंकि जिन के बाद तो फिर सुगा ही आते हैं। सुगा के दिल में जिन के लिए खास जगह है, क्योंकि सुगा के डिप्रेशन के टाइम जिन ने ही उनकी काफ़ी हेल्प की थी। सचविटा में भी आपने देखा कि जिन सुगा को हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। जैसे कि जिन ने कहा था कि अपने पास्ट को पकड़े रहना समझदारी नहीं, उसे भूलना पड़ता है। ओके, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरियसली, जिन सुगा को म्याओ म्याओ बोल रहे हैं। अब जिन खुद ही सुगा को म्याओ म्याओ कह रहे हैं तो आर्मी क्यों नहीं कहेगी। सुगा जिन को दो ये ग्रीन पाइप लेने के लिए कह रहे हैं, सुगा जिन को दो ये ग्रीन पाइप लेने को कह रहे हैं और खुद ने एक भी नहीं ली है। जिन को दो का आइडिया देखे खुद कोने में चले गई। वेरी गुड। के पीछे सुगा है, सुगा कह रहे हैं ऐसे पकड़ो और अपना चिन ऊपर करो, ऐसे दिखावा करो कि तुम गिटार प्ले कर रहे हो। वाह, हमें तो पता ही नहीं चला कि जिन प्ले नहीं कर रहे हैं। जिन कह रहे हैं सुगा म्यूजिक के बारे में बहुत पैशनेट है, मुझे नहीं पता ये क्या करते अगर ये सिंगर नहीं होते तो। इनकी सारी हॉबी म्यूजिक से रिलेटेड है, इन्होंने मुझे एज ए सिंगर और सॉन्ग राइटर बहुत इम्प्रेस किया है। 2017 में जब जिन और सुगा को बेस्ट रूममेट चूज किया गया था, नहीं ये सच में नहीं रो रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे अवार्ड मिलने पर वो रिएक्शन देते हैं ना, वैसा ही। तुम बोलो। आर्मी, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। आपके सपोर्ट की वजह से हम ये अवार्ड पाने में एबल हुए हैं। अरे आप कोई ऑस्कर अवार्ड भी दे दो इन्हें इस एक्टिंग के लिए। सुगा को फ्लाइंग किस पसंद नहीं है, पर कर लेंगे जिन हियोंग के लिए। सुगा जिन की हरकतों पर बहुत शाई फील करते हैं, क्यों पता नहीं। गौर से सुना जा रहा जिन हियोंग की बातें। सुगा, आजकल आपको सबसे ज्यादा कौन हंसाता है? जिन हियोंग। जिन सच में आजकल यही मुझे सबसे ज़्यादा हंसाते हैं। जिन हियोंग को एक तरह का जुनून है माहौल को खुशनुमा बनाने का, हो तो है। सुगा कह रहे हैं मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। जिन कह रहे हैं मेरी आंखें बहुत ड्राई हो रही है, क्या किसी के पास आई ड्रॉप है? ये क्या था, मतलब अचानक से फेक क्राई? जिन जो सुगा को उनकी गर्लफ्रेंड को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। और सुगा, जिन हियोंग ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। जिन सुगा को फिशिंग सिखा रहे। युंगी, मुझे लगता है कि तुम्हारा फिश से कोई मैच नहीं है। हाँ मैं इंसान हूँ, वो फिश है मेरा फिशिंग पार्टनर, मेरा फिशिंग पार्टनर युंगी। सुगा कह रहे हैं चलो जल्दी बोट पे चलते हैं, ये थक गया। मैं समय समय पर फिश पकड़ता हूँ, लेकिन जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में जाता हूँ मैं इसमें खुद को काफ़ी हद तक खो देता हूँ, लेकिन फिशिंग के बारे में मैं ऐसा महसूस नहीं करता। जिस कारण से मैं अब भी फिशिंग पे जाता हूँ वो है जिन हियोंग। जिन हियोंग मुझे अपने साथ आने के लिए कहते हैं तो बस मैं चला जाता हूँ, भले ही मैं कुछ ना पकड़ पाऊँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जिन हियोंग को फिशिंग पसंद है। सुगा को फिश मिली। जिन कितने खुश और सॉक्ड हैं सुगा की एक छोटी सी फिश पकड़ने पर भी। ऐसे वो बोल के सारे लोग इकट्ठा कर लेंगे। जिन यहाँ सुगा बने हैं, मतलब वो सुगा बन के सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवाल, आप सबसे ज्यादा फ्री कब फील करते हैं? मैं सबसे ज्यादा फ्री तब फील करता हूँ जब मैं म्यूजिक पर काम कर रहा होता हूँ। तो अगर आप फ्री फील करना चाहते हैं तो थोड़ा काम करें। जब आप खुश होते हैं तो इसे एक लाइन में कैसे बता सकते हैं? जब मैं काम करता हूँ, चलो पूरा करते हैं।
शोआ कह रहे हैं, क्या मैं सिर्फ खाता और काम करता रहता हूँ? आप अपने साथ कौन सा आइटम हमेशा रखते हैं? मैं अपने म्यूजिक के सामान के बिना नर्वस फील करता हूँ। शोआ कह रहा है, क्या सच में मेरी डेली लाइफ ऐसी है? आप ट्रैवलिंग में कैसे पर्सन है, प्लान्ड और अनप्लान्ड? हेलो, मैं शुगा। मैं ट्रिप पर जाने से पहले सारी जरूरी चीजें प्रिपेयर कर लेता हूँ। चलो बस सामान पैक करो और मैं ट्रिप पर रात को भी काम कर रहा हूँ। आपकी लाइफ की सबसे कीमती आजादी क्या है? क्या जिस म्यूजिक में एक्सप्रेशन की फ्रीडम हो वो रियल फ्रीडम नहीं है? मतलब म्यूजिक, मैं इतना सीरियस भी नहीं हूँ, मैं काम को लेकर इतना सीरियस भी नहीं हूँ। शुगा तुम हो, तभी BTS इन द सूप में सिर्फ तुम्हें ही अलग से वैनिटी वैन मिली थी, क्योंकि तुम वहाँ म्यूजिक बना रहे थे। शुगा के बर्थडे के दिन की प्लानिंग हो रही है। जिन मजाक में कह रहे हैं, और मैं भूल गया था, उस दिन एक अपॉइंटमेंट है, उस दिन मेरी किसी के साथ मीटिंग है। किस तरह की अपॉइंटमेंट है? क्या वो युंगी के बर्थडे से भी ज़्यादा ज़रूरी है? युंगी के साथ खाना खाने की अपॉइंटमेंट है। नाइस जोक। यहाँ पर 5 मेंबर खेल रहे हैं और दूसरे रूम में दोनों बड़े आराम से सो रहे हैं। हाँ, खाना बनाने की जिम्मेदारी भी होती है दोनों पे। आहा, अंडे का छिलका खिला दिया, हद से ज़्यादा मीठा सॉस। यकीन मानो सुगा, ये जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखा, ये कोई ब्रो रोमांस नहीं है, हमें एक दूसरे को खिलाना चाहिए और एक दूसरे को देखना चाहिए। क्यों? शांत रहो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम शांत नहीं रहोगे क्या? चोया कह रहे हैं, जे हो कढ़ाई का चार संभालेंगे और हम सामान तैयार करते हैं। जिन बोले, मैं क्यों, क्या आज तुम खाना नहीं बना रहे हो? तुमने कहा था आज तुम कुक करोगे, पर जिन मान गए और फिर दोनों ने साथ में खाना बनाया। शोआ कह रहे हैं, इन दिनों मैं जिन ह्योंग के साथ पूरे भाइयों की तरह महसूस कर रहा हूँ। जिन ने कहा, हम सोलमेट की तरह हैं। अगर हम 4 घंटे तक ड्राइव कर रहे हैं तो हम नॉन स्टॉप बातें करते हैं, हम साथ में बहुत कंफर्टेबल है। जिन ह्योंग, चलो जेहोप के साथ कुछ करते हैं, तुम्हारा मिशन है ना? वो भी कहाँ है? ए, मेरे साथ चलो, चलो साथ में आगे बढ़ते हैं। जिन कह रहे हैं, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुमने मेरी 5 मिनट के लिए भी हेल्प नहीं की थी। एक्चुअली पहले जिन को शुगा की जरूरत थी फोटो के लिए, पर शुगा भाग गए थे और जिन बेचारे युंगिया युंगिया कहते रह गए। नेक्स्ट टाइम भी जिन बेचारे शुगा को बुलाते रहे, पर शुगा अपने टास्क में बिजी रहे और अब खुद शुगा जिन को पकड़ के अपनी हेल्प करवा रहे। शुगा प्यार भरी बातें करके जिन को बटर लगा रहे। ओके, दोनों को लेमन खाना है। और शुगा ने निगल लिया शायद, पर जिन चबाया क्यों, निगल लेते। दोनों को व्यू देखने के लिए $1 की जरूरत है, जो इन पर है नहीं। हाँ, अमीर लोगों पर चिल्लर कहाँ होंगे। पर स्टाफ के सामने हाथ फैलाएंगे। जिन ने हाथ बढ़ाया तो शुगा ने भी हाथ बढ़ा दिया। यहाँ पर भी जैसा जिन करेंगे वैसा ही शुगा भी करेंगे। दोनों के साइन कितने परफेक्टली मैच करते हैं, ध्यान से देखना, दोनों के एक्शन एक जैसे हो रहे हैं। साथ में इतने सालों तक रूममेट रहने का असर है शायद। BTS 10 एपिसोड जिसमें 2 चोर का पता लगाना था, सब सीरियसली खेल रहे हैं पर ये आराम से खा रहे हैं। हाँ, खाएंगे ही, क्योंकि चोर ये दोनों ही हैं, जिन और शुगा। शुगा ने जिन के लिए एक बहुत प्यारा लेटर भी लिखा था, चैनल के प्लेलिस्ट में आप BTS लेटर में देख सकते हैं। अपने से कोई बड़ा हो तो अच्छा लगता है ना, एक सेफ्टी की फीलिंग आती है, शुगा को भी आती होगी। दे आर गुड। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।